इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे लंका प्रीमियर लीग के होने वाले मैच नंबर 7 के बारे में। अभी तक जो 6 मैचेज हुए हैं सभी में हमने सुपर अल्ट्रा क्लीनशिप किया है। इन 6 मैचेज में ही सागा फ्लैशबैक के मेंबर्स ने अपने सारे पिछले लॉसेज को रिकवर कर लिया है। आप अगर हमारे प्राइम टेलीग्राम चैनल के पार्ट हो तो इस बार हमने बड़े बड़े मेंबर्स की विनिंग वहां पे शेयर की है, जो कि एक एक मैच में 30 लाख 40 लाख इन्वेस्टमेंट करते हैं। आपने देखी होगी विनिंग, और आगे आने वाले मैचेज और भी ज्यादा प्रॉफिटेबल हैं। अभी तो जस्ट शुरुआत हुई है लंका प्रीमियर लीग की। इस मैच की अगर हम बात करो तो दोनों टीम ने दो दो मैचेस खेले हैं, एक एक मैच जीता है कैंडी फॉलकॉन्स और कोलंबो की टीम ने। दोनों ही काफ़ी अच्छी टीम है। तो सब कुछ मैं बताऊंगा। ये मैच होने वाला है दाम्बुला में, जहां कि पिछला मैच हुआ था, हाई स्कोरिंग वेन्यू है। इसके बारे में मैंने आपको वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट में बताया था, फिर से आपको मैं दिखा देता हूँ क्या वेन्यू एंड पिच रिपोर्ट है। दाम्बुला का जो स्टेडियम, ये बैटिंग फ्रेंडली ट्रैक है। यहाँ पे फास्ट बॉलर्स को हेल्प मिलती है स्टार्टिंग के ओवर में, जैसे जैसे मैच आगे बढ़ता है स्पिनर्स को भी यहाँ पे हेल्प मिलती है। 160 का यहाँ पे एवरेज स्कोर है, रन अच्छे खासे बनते हैं। लास्ट मैच जो यहाँ पे हुआ था वहाँ पे गाले की टीम ने टोटल बनाया था 187 पाँच विकेट के नुकसान पे, और जाफना की टीम ने 191 बना करके मैच को 5 विकेट से जीत लिया था। इससे क्लियर होता है कि यहाँ पे रन अच्छे बनते हैं। यहाँ पे जो इंटरनेशनल मैचेज हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। टोटल 3 हुए हैं, तीनों ही बैटिंग फर्स्ट ने विन किए हैं। 185 का एवरेज है, 209 हाईएस्ट, 115 लोएस्ट है। अब यहाँ पर डोमेस्टिक की बात करें तो इस वाले मैच के पहले टोटल 4 हुए हैं, 2 बैटिंग फर्स्ट 2 बैटिंग सेकंड ने विन की, 166 का एवरेज है, 217 दाम्बुला का हाईएस्ट, 123 दाम्बुला का लोएस्ट, 2 बार 190 प्लस 2 बार 150 के नीचे बना हुआ है। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9140233474। अगर आप लॉस में हो तो इसको आप सेव करके रखो, आपका जितना भी लॉस है वो इसी नंबर के थ्रू ही रिकवर हो सकता है। हमारा और कोई व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर नहीं है। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप हमको ज्वाइन कर सकते हो। सामने ये हमारी यूजर आईडी है टेलीग्राम की, सामने क्यूआर कोड है, इससे भी आप हमारे चैनल तक पहुंच सकते हो। अब यहां पे लास्ट के 3 मैच देख लेते हैं उसमें क्या हुआ है। इंटरनेशनल मैच हुए हैं 3, एक तो मैंने आपको इसी सीजन का दिखा दिया गाले और जाफना वाला, उसमें क्या हुआ था, 209 बनाया अफगानिस्तान ने, श्रीलंका चेस नहीं कर पाए, 187 बनाया श्रीलंका ने, अफगानिस्तान चेस नहीं कर पाए, 160 बनाया श्रीलंका ने, अफगानिस्तान चेस नहीं कर पाई। ये इंटरनेशनल में हुआ है कि 3 मैच हुए, तीनों बैटिंग फर्स्ट ने विन किया है। लेकिन लास्ट मैच में आपने देखा कि गाले ने 187 बनाया और 191 बनाकर के जाफना ने इसको चेस कर लिया, तो बहुत अच्छे खासे रन बनते हैं। पेसर्स को यहाँ 5 विकेट स्पिनर को 6 विकेट स्पिनर को 10 विकेट 6 विकेट पेसर को 10 विकेट स्पिनर को 9 विकेट पेसर को और 9 विकेट स्पिनर को, तो पेसर स्पिनर दोनों को ही विकेट्स मिलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं बैटिंग और बॉलिंग का स्टैट्स इस वेन्यू पर, किस प्लेयर का अच्छा है। चंडीमल का अच्छा है, 7 मैच में 276 रन है। कमिंदो मेंडिस ने 1 मैच खेला है, 65 बनाया है यहाँ पे। हसरंगा ने 3 मैच में 102 बनाया है, 4 विकेट लिए है। मैथ्यूज ने 3 में 52 3 विकेट है। दसुन सनाका यहाँ पे फ्लॉप रहे बट विकेट इनको 3 मिला है। और समरा विक्रमा 3 मैच में 99.35 का एवरेज है। तिसारा परेरा 11 मैच में 213 रन है, 15 विकेट है। इसके अलावा बॉलिंग की बात करें तो सबसे अच्छा स्टैट्स यहाँ पे पथिराना का है, 3 मैच में 8 विकेट है, और तस्कीन अहमद ने 2 मैच में 5 विकेट लिए, बाकी सभी का नॉर्मल स्टैट्स है। आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं हेड टू हेड मैच में कौन से प्लेयर अच्छा करते हैं। तो कोलंबो की तरफ से कैंडी फॉलकॉन के अगेंस्ट में समरा विक्रमा का अच्छा रिकॉर्ड है, गुरबाज का अच्छा रिकॉर्ड है, तिसारा परेरा का अच्छा रिकॉर्ड है, सदाफ खान का अच्छा रिकॉर्ड है, 1 मैच में 4 विकेट लिया है, वेलालगे ने 6 मैच में 10 विकेट लिया है। इसके अलावा पथिराना ने 5 में 5 विकेट लिया है और एंजेलो परेरा ने 1 मैच खेला है, 67 रन बनाया है। अब यहाँ पे कैंडी फॉलकॉन के लिए खेलते हुए कोलंबो के अगेंस्ट चंडीमल का अच्छा रिकॉर्ड है, कमिंदो मेंडिस का अच्छा है, हसरंगा का अच्छा है, इसके अलावा दसुन सनाका का अच्छा है, हसरंगा का अच्छा है, हसरंगा का 2 जगह नाम आ गया है, ये वाला सही है स्टैट्स, भंडारा का अच्छा है और रंजीता का अच्छा है। तो ये सभी प्लेयर आपको ध्यान देने हैं। मैचअप देख लेते हैं कौन से प्लेयर किस बैट्समैन को आउट करते हैं। सबसे अच्छा रिकॉर्ड है सदाब खान का, 25 बॉल में 5 बार इन्होंने आंद्रे फ्लेचर को आउट किया है। सदाब खान ने 30 बॉल में 3 बार मोहम्मद हैरिस को आउट किया है, दोनों ही पाकिस्तान के हैं, बाकी सभी नॉर्मल स्टैट्स हैं। आगे चलते हैं, देख लेना आप स्क्रीनशॉट लेके। इसके अलावा रंजीता ने डैनियल को 6 बॉल में 2 बार आउट किया है, रंजीता ने ही 22 बॉल में 2 बार गुरबाज को आउट किया है, हसरंगा ने 35 बॉल में 2 बार सदीरा समरा विक्रमा को आउट किया है, बाकी एंजेलो मैथ्यूज ने 24 बॉल में 2 बार गुरबाज को आउट किया है। अब हेड टू हेड मैच का रिकॉर्ड देख लेते हैं।
ये जो लास्ट मैच हुआ था इन दोनों टीम के बीच में इसी सीजन, उसमें 198 बनाया था कोलंबो ने और कैंडी फॉल्कन 147 पे ऑल आउट हो गई थी। सदिरा समरा विक्रमा ने 48, तिसारा परेरा ने 38, मोहम्मद वसीम ने 32 बनाया था, वेलाल्गे और सदाब खान ने चार चार विकेट लिए थे। यहाँ पे चंडीमल ने 38 बनाया, हसरंगा ने 25 रन 2 विकेट, एंजेलो मैथ्यूस ने 25 रन, रंजीता ने 2 विकेट, चमीरा और आगा सलमान को एक एक विकेट मिले थे। बाकी इसके पिछले सीजन का रिकॉर्ड है जिसमें कि बहुत सारे प्लेयर अभी अवेलेबल ही नहीं है, चेंज हो चुके हैं, मतलब अलग अलग टीम में जा चुके हैं। 169 बनाया कोलंबो ने, बी लव कैंडी चेस नहीं कर पाई। यहाँ पे एन धनंजिया ने 40, पतिराना ने 2 विकेट, एंजेलो मैथ्यूस और हसरंगा ने 2 विकेट लिया, हसरंगा ने 40 रन भी बनाया। 197 बनाया कोलंबो ने, कैंडी फॉलकॉन्स ने ये चेस नहीं कर पाई। यहाँ पे पथिराना का फिर से नाम आया, 3 विकेट, एंजेलो मैथ्यूस ने 25 रन और 2 विकेट हसनैन ने लिए थे। कैंडी फॉलकॉन्स ने 168 बनाए, यहाँ कोलंबो ने चेस कर लिया, हसरंगा का फिर से नाम आया। तो इस तरीके से हसरंगा पहले काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे थे, ये सीजन उनका उतना अच्छा नहीं जा रहा है, लास्ट मैच में अच्छा किया था। टोटल 9 हेड टू हेड मैच हुए, 7 जीता है कोलंबो की टीम ने और 2 जीता है कैंडी फॉलकॉन ने। लास्ट के 5 मैच की बात की जाए, दोनों ही टीम हार के आ रही है, उसके पहले एक एक मैच जीता था। बी लव कैंडी वही टीम है जिसको कैंडी फॉलकॉन्स भी कहा जा रहा है, जो नाम अब चेंज हो गया है। इन्होंने पिछला सीजन विन किया था, यानी ये डिफेंडिंग चैंपियन है। दोनों टीम की प्लेइंग 11 देख लेते हैं। यहाँ पे चंडीमल ओपनिंग करेंगे फ्लेचर के साथ, मोहम्मद हैरिस, कमिंदो मेंडिस, हसरंगा, एंजेलो मैथ्यूज, दसुन सनाका, आगा सलमान, रत्नायके, चमीरा और कसुन रंजीता। यहाँ पे अगर बात की जाए तो डैनियल है, गुरबाज, मोहम्मद वसीम, समरा विक्रमा, ग्लैन फिलिप्स, तिसारा परेरा, सदाब खान, करुणाकने, वेलाल्गे, पथिराना और बी फर्नांडो। अभी हमें सभी प्लेयर का अलग अलग स्टैट देख लेते हैं। लगातार दोनों मैच में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है, 2 मैच खेला है दोनों में। चंडीमल ने एक्सपीरियंस 5000 से ज़्यादा रन है 183 मैच में, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू पर अच्छा रिकॉर्ड है, मस्ट पिक रहेंगे आपके लिए। इसके बाद फ्लेचर है, शुरुआत अच्छी की थी लास्ट मैच में, फिर जल्दी आउट हो गए थे, उसके पहले 0 पे आउट हुए थे। इनको भी 7000 से ज़्यादा रन बना चुके हैं 293 मैच में, एक्सपीरियंस काफ़ी है। हेड टू हेड में एक ही मैच खेला था, उसमें 24 बनाया था, वेन्यू पे फ्लॉप रहे हैं। मोहम्मद हैरिस दोनों मैच में फ्लॉप रहे हैं। एंड इसके अलावा 77 मैच में 1600 से ज़्यादा रन है, ठीक ठाक एक्सपीरियंस है, हेड टू हेड में फ्लॉप है, वेन्यू पे फ्लॉप है, कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं। एंड कमिंदो मेंडिस भी लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, कुछ खास कर नहीं पाए हैं दोनों मैच में। रिकॉर्ड इनका ठीक ठाक है, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है, देखते हैं आज क्या करते हैं। इसके बाद हसरंगा लास्ट मैच में 25 रन 2 विकेट, अपने आप को प्रमोट किया था, टीम के कैप्टन है। उसके पहले वाले मैच में दसुन सनाका को ऊपर भेजा था, लास्ट मैच में ये ऊपर बैटिंग करने आए थे, तो कैप्टन की चॉइस हमेशा रहते हैं ये। बहुत एक्सपीरियंस है, 165 मैच में 228 विकेट है, एंड हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, वेन्यू पे भी अच्छा रिकॉर्ड है। इसके बाद यहाँ पे एंजेलो मैथ्यूस है, जो कि बॉलिंग लास्ट मैच में इन्होंने कराई थी, बट जनरली नहीं कराएंगे, 192 मैच में 3000 से ज़्यादा रन, तो बॉलिंग से ज़्यादा उम्मीद मत रखना। हेड टू हेड में कोई खास रिकॉर्ड नहीं है, वेन्यू पे भी फ्लॉप रहे हैं। इसके बाद दसुन सनाका है, ये लगातार 3-4 ओवर करा रहे हैं। पहले मैच में हमने इनको वाइस कैप्टन बनाया था, अल्ट्रा क्लिनसिप हमने किया था, करियर में भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है, और वेन्यू पे ये 2 मैच में 3 विकेट है। आगा सलमान ये ऑफ स्पिन करा रहे हैं, बॉलिंग करा सकते हैं, सामने लेफ्ट हैंडर है, तो एज ए डिफरेंसिव पिक ट्राई कर सकते हो, कुछ खास वैसे ये कर नहीं पा रहे हैं। इसके बाद रत्नायके हैं, ये भी लगभग फ्लॉप ही हैं। इसके अलावा चमीरा है, चमीरा को एक्सपीरियंस है बट उतने विकेट नहीं मिल रहा, और यहाँ जो पिच है ये बैटिंग पिच है, यहाँ भी कम चांस है ज़्यादा विकेट मिलेंगे, चाहो तो ले सकते हो, प्लेयर अच्छे हैं। कसुन रंजीता ने दोनों मैच में 2-2 विकेट लिए हैं, चाहो तो ट्राई कर सकते हो, इंपॉर्टेंट रहेंगे। 63 मैच में 90 के आसपास विकेट है, 89 विकेट है। हेड टू हेड में 2 मैच में 3 विकेट है, और वेन्यू पे 1 में 1 है। चतुरंगा डी सिल्वा को मौका नहीं मिल रहा है कुछ खास, तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। एंड 120 विकेट है 145 मैच में, लास्ट मैच आई थिंक खेले भी नहीं थे। मोहम्मद हसनैन है, ये कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहते हैं। आजम खान को अभी तक मौका नहीं मिला है, इसके अलावा भंडारा को भी मौका नहीं मिला है, अच्छे प्लेयर है भंडारा, इनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। रमेश मेंडिस ये भी कुछ खास मौका इनको मिल नहीं रहा है, अभी तक मौका मिला ही नहीं है इनको, प्लेयर ये भी ठीक ठाक है। गोमेज को मौका नहीं मिला है, डी करुणाकने को मौका नहीं मिला है, काफ़ी एक्सपीरियंस है। मेयर्स को अगर मौका मिलता है तो मस्ट पिक रहेंगे, बहुत अच्छी फॉर्म थी इनकी।
और बैटिंग बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। लक्षण संदकन भी अच्छे प्लेयर हैं, 76 मैच में 83 विकेट है इनका, बीच में 3-3 विकेट 2 बार लिए, ये भी अच्छे प्लेयर हैं। लेकिन बॉलर से ज़्यादा आपको बैट्समैन लेकर के चलना है इस मैच में, बैटिंग पिच है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कोलंबो के प्लेयर के बारे में। तो ऐश डैनियल ये भी फ्लॉप रहे थे, कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं, ग्रैंड लीग में ट्राई करना। गुरबाज आपके लिए मस्ट पिक है, बैटिंग पिच है, अच्छे प्लेयर है, अच्छी फॉर्म में है, वर्ल्ड कप भी अच्छा गया था। मोहम्मद वसीम भी हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, 32-16 बनाया है, बड़ी इनिंग भी खेल सकते हैं, 100 भी यहाँ पे दिख रहा है, हेड टू हेड में ही 32 बनाया था, इंपॉर्टेंट है। सदिरा समरा विक्रमा बिल्कुल आपको लेके चलना है, श्रीलंका का प्लेयर है और लंका प्रीमियर लीग में हर साल अच्छा करते हैं। आगे चलते हैं, ग्लैन फिलिप्स की बात की जाए, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये बॉलिंग भी करा रहे हैं इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो आपको लेके चलना है, बैटिंग भी अच्छी करते हैं। तिसारा परेरा बॉलिंग उतनी नहीं करा रहे हैं बट काफ़ी शानदार प्लेयर हैं, जाफना को 2-3 साल इन्होंने विनर बनाया था, कैप्टेंसी की थी, एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, 4,500 से ज़्यादा रन है, 366 मैच में 276 विकेट है, तो कभी भी बड़ी इनिंग भी खेल सकते हैं और बॉलिंग से भी विकेट ले सकते हैं, हेड टू हेड वैल्यू पे भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। सदाब खान दोनों ही मैच में 4-4 विकेट, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस यही कर रहे हैं, 4+4 टोटल 8 विकेट ले चुके हैं, 116 मैच में 1939 रन है, 126 विकेट है और हेड टू हेड में अच्छा रिकॉर्ड है। सी करुणाथ ने ये उतनी बॉलिंग नहीं करा रहे जितनी कराया करते थे, ठीक ठाक है, चारों ट्राई कर सकते हो, बैटिंग भी कर लेते हैं, बॉलिंग भी अच्छी करते हैं, प्लेयर अच्छे हैं, वैल्यू पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है। इसके बाद डी बिलाल के काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, 4 विकेट यहाँ लिए, यहाँ विकेट नहीं मिला लेकिन 45 रन बनाए, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी करते हैं, 37 मैच में 38 विकेट है, हेड टू हेड में देख सकते हो 6 मैच में 10 विकेट है, बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। पथिराना का हेड टू हेड में आपको पता है 5 में 5 विकेट है, वैन्यू पे सबसे अच्छा रिकॉर्ड है, 3 मैच में 8 विकेट है, मस्ट पिक है, 55 मैच में 78 विकेट है, इंपॉर्टेंट रहेंगे। बी फर्नांडो भी विकेट टेकिंग बॉलर है, लास्ट मैच में 3 विकेट लिया था, ले सकते हो, डेथ ओवर में आते हैं। इसके बाद यहाँ पे एंड धनंजय है, ग्रैंड लीग में ट्राई करना कुछ खास है नहीं। तस्कीन अहमद भी एक्सपीरियंस्ड है, बांग्लादेश के प्लेयर है। एंजेलो परेरा भी ठीक ठाक प्लेयर है। इसके बाद एस फर्नांडो भी ठीक है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो अगर खेलते हैं तो। ये हमने एक डेमो टीम बनाई हुई है, यहाँ पे आप पथिराना को ले सकते हो, पथिराना का इस वेन्यू पे काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है बी फर्नांडो की जगह पे, और या तो किसी बैट्समैन को हटा सकते हो आप, यहाँ पे वसीम मोहम्मद को हटा सकते हो। गुरबाज, चंडीमल, सदिरा समरा विक्रमा, ग्लैन फिलिप्स, आंद्रे फ्लेचर, वसीम मोहम्मद, सदाब खान, हसरंगा, बेलालगे, दसुन सनाका और बी फर्नांडो को मैंने लिया है। कैप्टन वाइस कैप्टन की अगर मैं बात करूँ तो हसरंगा को आपको कैप्टन बनाना है या तो सदाब खान को कैप्टन बनाना है, और वाइस कैप्टन इन दोनों में से ही किसी को बनाना है, या तो फिर आप बेलालगे को भी वाइस कैप्टन या कैप्टन बना सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट चॉइस होगी हसरंगा कैप्टन की, वाइस कैप्टन बना देना सदाब खान को, वैसे तो दोनों मैच में मिला के 8 विकेट लिया है सदाब खान ने, लेकिन देखते हैं आज क्या करते, क्योंकि आज बैटिंग पिच है प्योर, तो हो सकता है इनको ज़्यादा विकेट ना मिले। इसके अलावा ये हमारे प्रीवियस विनिंग है जिसका लाइव विनिंग प्रूफ का वीडियो इसी चैनल के वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा। बात करते हैं पेड मेंबरशिप की, हमारा एकमात्र व्हाट्सएप नंबर है 9140233474। हमारा पेड मेंबरशिप का चार्ज मार्केट में सबसे ज़्यादा हाई है, विनिंग भी सबसे ज़्यादा हाई होती है। अगर आपका बजट है तो मेंबरशिप ले सकते हो, और आपको लॉस को रिकवर करना है तो जल्दी से जल्दी आपको मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। आप जितना लेट करोगे आपके लॉस इंक्रीज होते जाएंगे और हमारे पेड मेंबरशिप का चार्ज भी इंक्रीज होता जाएगा। लंका प्रीमियर लीग के पैकेज में तमिलनाडु प्रीमियर लीग और MLC ये दोनों ही इंक्लूडेड है, कुछ मैचेज विटेलिटी ब्लास्ट के भी दिए जाएंगे। अभी के लिए वीडियो में इतना ही, आपका होस्ट दोस्त अंकुरित साइनिंग आउट, बाय।